वहीं हरियाणा के करनाल पुलिस ने पिछले दिनों हुए ट्रिपल मर्डर केस में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इन चारों को पुलिस ने मेरठ रोड से गिरफ्तार किया। 8 दिसंबर को हुए ट्रिपल मर्डर मामले में करनाल पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। CIA एक करनाल की टीम ने इस हत्याकांड में संलिप्त अहम सुराग लगने पर कप्तान के साथियों विक्रम उर्फ विकी, ऋतु राज, अमित कुमार उर्फ मीता, टिंकू को मेरठ रोड से काबू करके पूछताछ की। इस पूछताछ में अभी बड़ी अहम बातें सामने आई कि वे नरेश राजेश गुलाब सिंह की हत्या करने की योजना में शामिल रहे हैं और दिनांक 8/12/2016 को कप्तान के कहे अनुसार इन्होंने रैकी करके कप्तान को सूचना दी, जिससे कप्तान ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। कप्तान व उनके साथियों को भी करनाल पुलिस द्वारा शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और क्योंकि काफी सीरियस क्राइम था, पिछले करीब 2-2.5 साल में इतना एक ही इंसिडेंट पे इतने आदमियों की डेथ नहीं हुई है इस तरीके के इंसिडेंट पे। इसको लेकर काफ़ी हम सीरियस थे। CIA की दोनों ब्रांचेस अपनी अलग अलग टीम बनाकर इस केसेस में जितने भी आरोपी हैं उनकी जांच पे लगी हुई थी। उसी की जांच में आज एक महत्वपूर्ण सफलता CIA 1 की जो टीम है उनको मिली है। आज 4 आरोपियों को इस तिहरे हत्याकांड में हमने गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी जो हमारे इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं उसको सहायता इन्होंने की है और इन्हीं की सहायता से ही ये इंसिडेंट हुआ था। इनके नाम हैं जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, विक्रम और विक्की, ये अर्जुन हेडी बुटाना के रहने वाले हैं। दूसरा है ऋतुराज पुत्र पृथ्वी सिंह, ये रजवाहा रोड शिव कॉलोनी करनाल का रहने वाला है। तीसरा है अमित कुमार उर्फ मीता, ये भी बराना थाना बुटाना के रहने वाले हैं और अभी बुटा सिंह कॉलोनी मिसिंग में रह रहे हैं। चौथा व्यक्ति है टिंकू पुत्र सूबे सिंह, ये असंग के वार्ड नंबर 15 का रहने वाला है। इन चारों अभियुक्तों ने इस केस के जो मुख्य आरोपी कप्तान हैं उसकी सहायता करके जिन व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई है उनकी गाड़ी का पिछले 2 दिन से प्रॉपर रेकी की थी और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनको दी थी किस किस जगह पर कब कब हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन के बाद ही मुख्य आरोपी ने अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसके साथ साथ और भी हमें इम्पोर्टेंट क्लूज़ इनके अरेस्ट होने के बाद मिले हैं। अभी कल इनको अदालत में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा और जो और क्लूज़ इनके पास हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि बाकी आरोपियों को भी हम शीघ्र काबू करें। मरने वाले को दोष भी दिए हैं सर ये पकड़ के चारों? मरने चारों की हिस्ट्री जो चार पकड़े हैं हमने, मतलब ये क्या क्रिमिनल है या वैसे हायर किए हुए थे? जो मुख्य आरोपी है उसके साथ ही ये काम करते थे। जहाँ तक आपने बात की कि दोस्ती की, तो जो इस केस में मुख्य आरोपी हैं और जिन जो इस केस में शिकार हुए हैं ये एक समय पर दोनों आपस में भी दोस्त थे। तो एक समय पर तो ऐसा था कि ये सभी आपस में लिंक्ड थे, फिर आपस में इनका विवाद हुआ और उसी विवाद के चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। प्रारंभिक जांच में ये भी प्रतीत होता है कि शायद इतना बड़ा जो इंसिडेंट करना उनकी मंशा नहीं रही थी, क्योंकि सभी जो फायर किए थे वो पेट से नीचे टांगों पर फायर किए गए हैं। फिर भी मुख्य आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद ही आगे की चीजों का। वहीं इस कांड को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी कप्तान सिंह पुलिस की पहुंच से दूर है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। समाचार एक्सप्रेस के लिए करनाल से रामकुमार शर्मा की रिपोर्ट।